गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपको युद्ध स्तर पर लग करके तैयारी करनी होगी और मैं आपके साथ हूँ, आपका बड़ा भाई, आपका गुरु, आप जो समझे, मैं आपके साथ लग करके आपकी तैयारी कराने जा रहा हूँ। आइए, 50 में 50 कैसे लाएं, इसके लिए हम हर एक पॉइंट पर विशेष फोकस करने जा रहे हैं। कहाँ से क्या आने वाला है, पहले सिलेबस की डिटेल्ड में चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, डिडक्शन भी होगा, यदि आप गलत करेंगे तो 0.50 डिडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर, कहां से क्या पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये जो चीज़ें हैं वोकैब पर आधारित चीज़ें हैं, प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हें तैयार करने के लिए मैं लाइव जुड़ करके आपके साथ लग करके आपके साथ संघर्ष करके तैयारी आपकी कराऊंगा। अगला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉयस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव और नरेशन से एक एक क्वेश्चन होंगे और ये बहुत इजी चीज़ें हैं, आप आसानी से कर लेंगे। बहुत सुंदर ट्रिक इसके लिए मैं बताऊंगा, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर से 2-2 प्रश्न होंगे, यानी 4 क्वेश्चन से यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और ये दोनों चीज़ें जो हैं पूरे ग्रामर को कवर करती हैं। पूरे ग्रामर को आपको भी कवर कर जाना है, बट इन अ ट्रिकी वे, क्योंकि समय आपके पास कम है। दिसंबर में आपका एग्जाम Tier 1 का हो जाने वाला है, तो इस समय के भीतर ही बहुत अच्छे तरीके से तैयारी मैं आपकी कराने जा रहा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस फिलर्स और सेंटेंस अरेंजमेंट क्लोज टेस्ट, सेंटेंस फिलर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट, ये जो 3 चीज़ें हैं, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस फिलर्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस फिलर्स में वोकैब पर आधारित क्वेश्चन भी हो सकता है, आपका ग्रामर पर आधारित क्वेश्चन भी हो सकता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन पर आधारित क्वेश्चन भी हो सकता है। सेंटेंस अरेंजमेंट में जम्बुल्ड पार्ट्स होते हैं जिन्हें अरेंज करना होता है, इसके लिए कॉमन कॉन्सेप्ट चाहिए। आप अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी अगर कर लेते हैं तो बड़ी सुविधा होगी, और नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वहाँ भी ट्रिक बहुत हेल्प करेगा जो मैं आपको देने वाला हूँ। सेंटेंस अरेंजमेंट क्लोजर, ये सभी चीज़ें हो गई Tier 1 के लिए। अब आते हैं Tier 2, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। जैसा कि आज नोटिफिकेशन है मैंने देखा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ रख दिया। Tier 2 में अंग्रेजी के 45 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको मिलने जा रहा है। 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी से 45 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिल्कुल वही चीज़ है जो Tier 1 में है, लेकिन अब यहाँ नोट में आ जाएं, इसमें अलग क्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अंग्रेजी के जो टेस्ट होंगे आपके, उसमें कॉम्प्रिहेंशन 3 या 3 से अधिक आपसे पूछा जाएगा। ये Tier 1 से Tier 2 यहीं पर आकर के जो है डिफरेंट हो रहा है। पैसेज 3 या 3 से अधिक आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें 1 पैसेज जो होगा वो नॉर्मल किसी किताब से लिया जाएगा, कोई स्टोरी होगा, और बाकी के जो भी पैसेजेज होंगे वो किसी रिपोर्ट से होंगे या न्यूज़ एडिटोरियल से होंगे। यानी यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि आपको न्यूज़ एडिटोरियल पढ़ना होगा। न्यूज़ एडिटोरियल पढ़ना आप अभी से शुरू कर दें। बीच बीच में मैं द हिंदू न्यूज़ के एडिटोरियल को आकर के एनालाइज करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। और प्रत्येक दिन लाइव आकर के मैं इन सभी चीज़ों पर आपके साथ लग करके, आपकी मदद करके आपको तैयार कराने वाला हूं। आप डेली लाइव जुड़े मेरे साथ 8 बजे से, और आपको 50 में 50 अंक लाने में मैं फुल सपोर्ट करने जा रहा हूँ। विद दैट इट इज़ ओवर। थैंक यू सो मच।